एक अभयदाचार्य से बड़ा विशेष संबंध था। जब प्रभुपाद जी कलकत्ता में स्कॉटिश कॉलेज में थे तो प्रभुपाद जी अलग अलग क्लब्स में भाग लेते थे। एक इंग्लिश क्लब था, एक संस्कृत क्लब था, एक थिएटर का क्लब था, तो प्रभुपाद ने उसमें भी भाग लिया। तो उस समय के एक बहुत प्रसिद्ध एक ऑर्गेनाइजर और डायरेक्टर होते थे जिनका नाम था अमृत लाल बोस। तो प्रभुपाद जी ने उनको अप्रोच किया कि हम चैतन्य लीला पे एक नाटक करना चाहते हैं। तो अमृत लाल बोस ने कहा कि चैतन्य लीला तो होती रहती है थिएटर्स में, आठ आने में जाके कोई लीला देख ले। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कहा, अभय बाबू थे उस समय, कि हम ऐसी लीला करना चाहते हैं जिसको देखकर लोग पाप करना छोड़ दें। तो अमृतलाल बोस ने कहा, मेरी एक रेपुटेशन है, तो मैं आप लोगों को पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए तभी आज्ञा दूंगा जब मैं कन्विंस हो जाऊंगा कि आप अच्छे ढंग से करेंगे। और बोले ठीक है। तो एक साल तक वो रिहर्सल कराते रहे और एक साल के बाद स्टेज पे शो हुआ और उसमें प्रभुपाद जी अभय बाबू बने थे अद्वैताचार्य। और जब वो नाटक हुआ तो सत्स्वरूप महाराज प्रभुपाद लीलामृत में लिख रहे हैं कि प्रभुपाद ने कहा सबकी आंखों में आंसू थे, इतना सुंदर नाटक हुआ था, मंचन हुआ था। और प्रभुपाद जी सत्स्वरूप महाराज लिख रहे हैं कि प्रभुपाद ने खाली एक ही रोल किया था, वही पहला और अंतिम रोल था बस। इसके बाद एक बारी मेमोरीज बुक में एक माता जी हैं वो लिख रही हैं कि एक बार मायापुर में एक गोड़िया वैष्णव बूढ़े से व्यक्ति आए और उनके हाथ में भगवत दर्शन पत्रिका थी और वो पूछ रहे थे यहाँ पे कोई भक्ति वेदांत स्वामी के शिष्य हैं। तो सारे भक्तगण इकट्ठे हो गए, हम उनके शिष्य हैं। तो जोर जोर से रोने लगे और कुछ बताने लगे। बोले मैंने आपको कुछ बताना है। बोले ये भक्ति वेदांत स्वामी हैं, जब ये गृहस्थ आश्रम में थे, अभय बाबू उनका नाम था, तो ये शांतिपुर में आया करते थे और एक कोने में बैठ के जप किया करते थे और इतने गंभीरता से जप करते थे, इनके आंखों से आंसू निकला करते थे और रो रो कर प्रार्थना करते थे। उस समय मेरे पिताजी पुजारी थे, मैं इनको देखता था, किसी से बातचीत नहीं करते थे, बड़ी दृढ़ता के साथ आते थे, बैठते थे और दृढ़ता के साथ चले आते थे, डेली आकर सामने बैठ के जप करके चले आते थे। और कभी कभी मैं उनको महाप्रसाद देता था, कोई बातचीत नहीं होती थी। फिर काफी समय बीत गया, वो दिखाई नहीं दिया, मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। और फिर मैंने देखा काफी समय के बाद एक और सन्यासी बैठे हैं और वैसे ही जप कर रहे हैं, उसी सामने बैठ के और जोर जोर से रो रहे हैं, जप कर रहे हैं। तो मैं उनके पास महाप्रसाद लेकर गया, मैंने आप कौन है, मैंने पहले भी आप आते थे? बोले हाँ। आप सन्यासी वेश में? बोले हाँ, मैं मेरा नाम भक्ति वेदांत स्वामी है और मेरे महान गुरु भक्ति सिन्हा स्वामी ठाकुर महाराज ने मुझ जैसे एक निकृष्ट और बिल्कुल पतित जीव को शिष्य के रूप में स्वीकार किया है और ये आदेश दिए है कि मैं विदेशों में जाकर महाप्रभु के संदेश का प्रचार करूं अंग्रेजी भाषा में। ये इतना बड़ा महान कार्य है, मेरे लिए असंभव है। मैं यहाँ पर आया हूँ इन तीनों प्रभुओं से, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, जो अद्वैताचार्य जी की बाड़ी है शांतिपुर में, यहाँ नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु आते थे और योजना बनाते थे कैसे पूरे विश्व में कृष्ण प्रेम को फैलाया जाए। तो मैं उनके चरणों की धूल लेने आया हूँ, उनसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, कल ही मैं जा रहा हूँ जलदूत से, ऐसा बताया, तो आप ही मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो बोले मैं, मेरे आंखों में भी आंसू आ गए और मैंने बोला आपको सारे आशीर्वाद, सबकी कृपा प्राप्त होगी, मैंने ऐसे बोला। उसके बाद वो चले गए और उसके बाद मुझे मालूम नहीं, मैं भी सोचा था उनका क्या हुआ होगा पूरे वृद्ध सन्यासी का। तो उसके बाद मैं देखता था कि कुछ विदेशी लोग आते थे, पुरुष और स्त्रियां, पुरुष धोती डाले हुए, स्त्रियां साड़ी डाले हुए, तिलक लगाए हुए। तो मैं सोचता ये कहां से आ गए, है ना, और विदेशी लोग कैसे भक्ति कर सकते हैं, ये तो यमन है, मलेच्छ है। तो मैं आप लोगों के बारे में बहुत उल्टा सीधा सोचता था, ये कहां से आ जाएंगे, ये क्या भक्ति करेंगे। लेकिन किसी ने, आप में से किसी ने मुझे ये पत्रिका दी, उस पत्रिका के पीछे प्रभुपाद जी का फोटो था। तो ये फोटो देखा तो मैं पहचान गया, अरे ये सन्यासी थे जो यहाँ आते थे, तो ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरु हैं। तो वे कह के फिर जोर जोर से रोने लगे कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आप लोगों को बहुत तुच्छ माना कि आप विदेशी लोग क्या भक्ति करेंगे, लेकिन ये प्रभुपाद जी हैं, ये जो भक्ति विदान स्वामी हैं, इनकी कृपा से पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार हुआ है, तो आप धन्य हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो इस बहुत आज हम भी अद्वैताचार्य जी से प्रार्थना कर सकते हैं
उनकी कृपा से ही हमें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की